32 लाख रुपए की सहकारी बैंक में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली में 16 जनवरी को जिला सहकारी बैंक मंडी ब्रांच का लॉकर काट कर 32 लाख रुपए निकालने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। शातिर गिरोह के ये सदस्य जिनके निशाने पर सहकारी बैंक रहते थे। मामले में पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए अमरावती महाराष्ट्र प्रतापगढ़ से 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए अभियुक्तों से गहनता से पूछताछ के बाद पूरे मामले का खुलासा पर्त दर पर्त होता चला गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो सबसे पहले बैंक की रेकी करते थे, उसके बाद गैस कटर की मदद से लॉकर में रखे रुपए चोरी करते थे। लॉकर काटने के दौरान जो नोट जल जाते थे उन्हें मौके पर न छोड़कर अलग से डिस्पोज कर दिया करते थे उनकी, ताकि उन पर करेंसी जलाने का आरोप न लग पाए। घटना में पकड़ा गया सुरेश और सागर देशमुख जो मूर्ति अमरावती महाराष्ट्र का रहने वाला था, विभिन्न राज्यों में अपना नाम बदल कर रहता था। ये लोग 1991 में चोरी डकैती मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में सुरेश पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। मामले में गिरफ्तार सुरेश अमरावती महाराष्ट्र का रहने वाला है, जबकि तुषार जनपद प्रतापगढ़ यूपी का रहने वाला है और तीसरा अभियुक्त हरि प्रसाद जो करणपुर प्रतापगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है। पकड़े गए अभियुक्तों से 40,05,000 रुपए नगद, गैस कटर, तमंचा, एक कार के साथ ही उपकरण बरामद किए गए। घटना के खुलासे पर बैंक मैनेजर ने पुलिस टीम को पुरस्कृत करने का ऐलान किया है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 2 लोगों की तलाश कर रही है। देखिए 16 तारीख को एक बैंक में, सहकारी बैंक में चोरी की घटना हुई थी और उसके बाद हमारी पूरी जो पुलिस टीम थी उसमें लगी हुई थी, फॉरेंसिक टीम हो, तकनीकी टीम हो, सर्विलांस टीम हो। बाद में ये पता चला कि इसमें 4 से ज़्यादा लोग थे और इसका जो मैंने अभियुक्त है सुरेश राउत, उन पर हमारी टीम ने काम करना स्टार्ट किया है और आज आपके सामने 3 लोगों को प्रस्तुत किया गया है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि 2 अभियुक्त जो है प्रतापगढ़ के हैं और एक जो मुख्य अभियुक्त है वो अमरावती का है, जिनका एक अंतर्राज्यीय आपराधिक इतिहास है और खासकर बैंक में चोरी करना, डाका डालना, यही इसका पेशा था। हमारी पूरी टीम ने पूरी लगन से और काम की। इसमें मैं अमरावती की टीम, पुलिस टीम को भी प्रशंसा करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराया, क्योंकि वहाँ रहने वाले थे, वहाँ से भी वो जेल गए थे और आज सभी अभियुक्तों को, खासकर जो इस बैंक चोरी में संलिप्त थे, उनको पकड़ के जेल भेजा जा रहा है। आपके सामने रुपये की बरामदगी और वो सारे उपकरण जो चोरी में सहायक के रूप में थे प्रस्तुत किया गया है और साथ साथ इसमें हमने अपनी टीम के लिए 25,000 रुपये का इनाम दिया है और बैंक के द्वारा हमें बताया गया है कि वो भी अलग से सम्मान और जो भी उनके इनाम और आदि की घोषणा करेंगे वो करेंगे। हमें कुछ इनपुट ये भी मिले है कि कुछ जनप्रतिनिधि द्वारा भी इस खुलासा की सराहना की गई है और जल्द वो भी हमारी टीम को सराहना करेंगे।